क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर इन परसेंटेज। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं आपको, उनको आपको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो 1/8, 5/4, 3/40, 2/7, ये सारे के सारे आपको किस फॉर्म में दिए हैं? ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हैं, अपॉन में है, इसका मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म है। अब इनका परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज का मीन्स होता है 100% की वैल्यू क्या होती है, 100 की होती है। तो आप यहाँ पर जितने भी नंबर दिए हैं इनका परसेंटेज निकालेंगे। तो जैसे आप प्लीज एग्ज़ाम देते हैं और आपका 600 का एग्ज़ाम होता है और उसमें से 5, 4, 9 ऐसे नंबर आपके आते हैं, तो आप परसेंटेज कैसे निकलते हैं? 5, 4, 9 upon 600, और परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही करना है कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट करेंगे सॉल्व, 1/8 × 100। कट करेंगे, इसके नीचे 1 किलोमीटर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो लीव कर सकते हैं। 2 से 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आया 25/2। नाउ इन डिवाइड, डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड कैसे करेंगे? 2 का डिवाइड करा आपने 25 में, 2 1 जा 2, देन 5 नीचे आया, 2 2 जा 4 1 आया, तो आपका आंसर कितना आया? 2। देन आपका जो रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा और ये 12 इधर आएगा, तो 12 2 4 12 2 24 एंड 25%। ये परसेंटेज का साइन लगाना कंपलसरी है कि अगर पूछा जाए कि परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो ये साइन आप लगाना कंपलसरी है। एग्जाम में हो सकता है आपके नीचे अभी अभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो रहा है उसमें हो सकता है आंसर तो हो, उसमें मैंने आपको ऐसे दे दिया, एक आंसर आपको ऐसे दे दिया और एक आंसर मैंने आपको ऐसे दे दिया, तो आप ये देखेंगे दोनों आंसर हैं पर ये आंसर गलत होगा तो इसमें परसेंटेज का साइन नहीं है, पर परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा। नाउ आपका बी पार्ट, 5/4 × 100। नाउ 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ठीक है, 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा 125, 125%। सी पार्ट सॉल्व, सी पार्ट करेंगे, सी पार्ट में 3/40 × 100। तो इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने जीरो हम कट कर देते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10, अब आपका कितना है? 5 3 जा 15 upon 2, अब डिवाइड करके देखेंगे, 2 7 जा 14, ये आया आपका 1, तो आपका क्या बन रहा है? ये 2 तो आपका डिनोमिनेटर में है वो आएगा, आपका जो रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा और आपका ये यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 2 जा 14 है 1 15। अब ये भी आपका ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर सेट लगा के, अब ये देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है? 5 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5%, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आप परसेंटेज का साइन इसमें कंपलसरी है। नाउ पार्ट बी, बी पार्ट इन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट।